दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 166 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डोनवेर के सभी टीममेट्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की कहती है वो आवाज तो बम की थी जो कि उस डायरेक्शन से आया है, और साउंड्स के प्रति जो मेरे सेंसेस है वो कभी भी गलत नहीं होते हैं। तो दूसरी कहती है कि ठीक है, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। जिसके बाद ये सभी लोग ही उस डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं, और वांग डोनवेर मन में कहती है क्या आखिरकार मैं अब युहाओ से मिलने वाली हूँ, यहाँ तक कि मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। और तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है हमारे आगे कोई है। तो डोनवेर मन में कहती है क्या ये युहाओ हो सकता है, नहीं ये पक्का वही होगा, क्योंकि अब मैं दोबारा से निराश नहीं होना चाहती हूँ, मुझे खुद जाके ये कंफर्म करना होगा। और फिर डोनवेर तुरंत ही काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जबकि पीछे से कुछ साथी कहते हैं डोनवेर आगे काफी खतरा हो सकता है, इसलिए हमारे लिए रुको। वहाँ पर पहुँचने के बाद डोनवेर नीचे आने लगती है, मतलब कि यह युहाओ के पास आ गई होती है, और यह युहाओ को देखकर काफी हैरान होती है और मन में कहती है युहाओ आखिर तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या हुआ है, और आखिर तुम जमीन पर ऐसे क्यों पड़े हो, क्या सब ठीक है क्या। और फिर डोनवेर इसकी ब्रीथिंग को चेक करती है तो ये कहती है कि यह अब भी सांस ले रहा है, और इस चीज को देख के वांग डोनवेर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में से भी काफी ज्यादा आंसू बाहर निकलने लगते हैं, और यह मन में कहती है ये तो काफी अच्छा हुआ कि तुम अब भी जिंदा हो। और फिर यह युहाओ के गले लग के गॉड को शुक्रिया अदा करने लगती है। फिर डोनवेर उठ के युहाओ के आसपास देखते हुए मन में कहती है लेकिन आखिर यह क्यों बेहोश है और यह कहां इंजर्ड हुआ है। लेकिन तभी अचानक से इसकी नजर वांग क्यूआईओए के ऊपर पड़ती है जो कि युहाओ के पैरों पर बेहोश पड़ी थी, और वांग क्यूआईओए और युहाओ को साथ में देख के इसके काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और यह मन में कहती है आखिर ये दोनों साथ में जमीन पर ऐसे क्यों पड़े हुए हैं, और ऐसा भी यहाँ पर क्या हुआ था। और तभी यहाँ पर बाकी के साथी भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि डोनवेर क्या हुआ और क्या ये युहाओ है। तो एक लड़की युहाओ को देखते हुए कहती है डीन ये जिंदा है, वैसे तो ये दोनों ही काफी इंजर्ड है लेकिन अब भी इनकी वॉट लिफ्टार काफी स्टेबल है। तो कायमा भी राहत की सांस लेते हुए कहती है ये तो काफी अच्छी बात है और आखिरकार हमने इन्हें ढूंढ ही लिया। और फिर यह वांग डोनवेर के पास जाके कहती है डोनवेर अब तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक है। और डोनवेर ने अपने ऊपर काबू करने के लिए इसने अपने होठों को दबा लिया होता है, और कायमा भी काफी ज्यादा चौंक जाती है जब ये ग्राउंड पे ब्लड को देखती है, और इन्हें भी समझ में नहीं आता है कि आखिर इन दोनों के साथ ऐसा भी क्या हुआ है। और फिर ये तुरंत ही ली जवान ली योंग ई मो जवान इन तीनों को ही इन दोनों का ध्यान रखने का ऑर्डर देती है, और फिर यह डोनवेर से कहती है ऐसा दिखता है कि जैसे कि यह काफी टफ फाइट से गुजरे हैं, और जहां तक है इस दौरान वैंग क्यू इंजर्ड हो गई होगी तो युहाओ ने उसकी मरहम पट्टी की होगी, डोनवेर तुम ज्यादा मत सोचो। तो डोनवेर नॉर्मली कहती है मैं ज्यादा नहीं सोच रही हूँ, मुझे अपने युहाओ पे पूरा विश्वास है, यह उस तरीके का पसंद नहीं है। और डोनवेर की आंखों को देख के कायम मन में कहती है इसकी आंखें कितनी ब्राइट है। और फिर यह डोनवेर की सिर को सलाते हुए कहती है तुम एक काफी अच्छी बच्ची हो, वाकई में युहाओ काफी खुशनसीब है जो उसके पास तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड है। और फिर वांग डोनवेर युहाओ की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है मुझे इस पर पूरा विश्वास है। और फिर हम वांग डोनवेर को युहाओ के कैंप के बाहर कल्टिवेट करते हुए देखते हैं, और बैठे बैठे ये पहले की बातों को याद करने लगती है जब कायमा ने इससे कहा था वांग क्यू काफी ज्यादा इंजर्ड थी। तो ऐसा देखता है कि इनका सामना एक काफी ज्यादा स्ट्रांग एनिमे से हुआ था, लेकिन फॉर्चुनेटली इसका इलाज सही समय पर हो गया इसलिए यह अब भी जिंदा है। और तो और ऐसा भी देखता है कि इसकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रांग वाइटलिज्म है जो कि उसे सपोर्ट कर रही है, जिस वजह से इसकी बॉडी काफी तेजी से रिकवर कर रही है। और इन बातों को सोचकर डोनवेर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है और मन में कहती है हुआ युहाओ आखिर तुम दोनों के साथ ऐसा भी क्या हुआ था, और मैं इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। और तो और उसने युहाओ के कपड़े भी पहन रखे थे और उसके साथ इसकी बजाय मैं क्यों नहीं थी। और इन बातों को ही सोचते हुए यह अपने होठों को काट रही होती है, और तभी अचानक से कैंप के अंदर से डोनवेर चिल्लाने की आवाज आती है। तो इस आवाज को सुनकर डोनवेर समझ जाती है कि युहाओ को होश आ गया है, और एक कैंप के अंदर जाते हुए खुश होते हुए मन में कहती है ये तो काफी बढ़िया बात है कि जब युहाओ को होश आया इसने तुरंत ही मुझे पुकारा। और वांग डोनवेर को देख के युहाओ तुरंत ही काफी खुश हो जाता है और बिना कुछ कहे इसे काफी जोर से गले लगा लेता है और कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा डर गया था। तो डोनवेर शर्माते हुए धीरे से कहती है इडियट कहीं के इस चीज को तो मुझे तुमसे कहना चाहिए,
और युहाओ कहता है, मैं कई बार मरते मरते बचा हूँ, और यहाँ तक कि मैं तो इतना डर गया था कि मुझे लगने लगा था कि मैं अब दोबारा कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगा, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं अब भी जिंदा हूँ। डोंगर, सच में मैंने तुम्हें काफी मिस किया। और इस तरह पलक झपकते ही डोंगर का दिल खुशी से भर उठता है, और फिर डोंगर इस पर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुमने इतना ज्यादा खतरा क्यों उठाया, और आखिर क्यों तुम बाकी सबके साथ क्यों नहीं रुके, और आखिर क्यों तुम मुझे अपने साथ नहीं ले गए। और युहाओ इनमें से किसी का भी आंसर नहीं देता है, ये बस ऐसे ही डोंगर को टाइटली हक करके रखता है। और तभी कैंप के बाहर से आवाज आती है कि काफी समय हो गया है युहाओ, अब तुम दोनों कैसे हो। डोंगर चौंकते हुए कहती है, ओ नहीं, मैं तो टाइम भूल ही गई थी, चलो अब सबसे पहले बाहर चलकर सबसे मिलते हैं। और फिर यह कैंप के बाहर आ जाता है और यह कहता है, ऐसा दिखता है कि सभी लोग यहीं पर, डीन कैमर, सिस्टर ओरो और सिस्टर ली, जवान यंगवी मो जवान, ये तो काफी अच्छी बात है कि आप सभी ही ठीक है। और कैमर युहाओ से पूछती है, आखिर तुम कैसे हो। तो युहाओ कहता है, मुझे अब भी थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है, और वाकई में कल जो वो फाइट हुई थी वो वाकई में काफी ज्यादा इंटेंस थी। फॉर्चुनेटली वांग क्यूआईयूएन ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला मुझे बचाने के लिए। और वांग क्यू कैसी है, क्या वो ठीक है। तो कायमा बताती है, वो सो रही है, और अच्छा हुआ कि उसे समय पर ट्रीटमेंट मिल गया और वो अभी ठीक है। और क्या तुम हमें बता सकते हो कि कल क्या हुआ था। और फिर युहाओ इन सभी को डिटेल में बताता है जो जो कल हुआ था, और यह छोटे बियर्स को बचाने से लेकर उस इविल स्पिरिट मास्टर से लड़ने तक की सारी चीजें बताता है, और यह भी बताता है कि जिसके बाद इनका सामना 3 वेयरवुल्फ बीस्टों से हुआ था। हालांकि युहाओ ने जो वांग क्यू के साथ मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को इस्तेमाल किया था, इस चीज को इसने इनसे छिपा लिया होता है, और यह भी छुपाता है कि इसने अपने खुद के ब्लड की मदद से वांग क्यू को बचाया है। और इन सारी कहानी को सुनने के बाद कायमा चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों ने इतना ज्यादा खतरा उठाया, और यहाँ तक कि तुम दोनों ने एक एट रिंग इविल सोल मास्टर से भी भिड़ने की हिम्मत की, और यहाँ तक कि अगर मैं मेरा उससे 1v1 होता तब भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसके खिलाफ जीत भी सकती हूँ या नहीं, लेकिन तुम दोनों ने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत की और उसके पूरे प्लान को तबाह कर दिया। और तुमने जिन दो लिटिल डार्क गोल्ड रीड क्लो बेस के बारे में बताया था उनका क्या हुआ, चलो आप जल्दी से उन्हें बाहर निकालो, नहीं तो वो बर्फ में जमने की वजह से मर जाएंगे। और फिर युहाओ इनकी बात को मान के उन दोनों लिटिल बेस को बाहर निकाल लेता है, और कोई पूछती है, युहाओ क्या ये ठीक है, लेकिन यह अब भी जमे हुए हैं, तो क्या ये ठीक होंगे। तो युहाओ कहता है, हाँ ये ठीक है, जब मैं पहले ट्रेनिंग कर रहा था तब उस दौरान मैंने सीपीयू को कैसे इस्तेमाल किया जाता वो सीखा था, और मैं इसे अच्छे से इस्तेमाल करना जानता हूँ, तो आप लोग चिंता मत करिए। और कुछ पलों बाद ये बेयर्स वापस से सांस लेने लगते हैं और वापस से चिल्लाने लगते हैं, और इन दोनों को देख के कैमर और रुओ रुओ तो इन दोनों की दीवानी हो जाती है, और कैमर कहती है, ये तो कितने ज्यादा क्यूट है, और रो रो कहती है, वैसे तो इन्हें जन्म ली काफी समय भी नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने अभी से ही चलना फिरना शुरू कर दिया है। और इस तरफ मो जवान कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आखिर ये दोनों खाते क्या है। तो ये कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता है बेयर्स क्या खाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह शायद मिल्क को पीते होंगे। और फिर ये ली जवान की चेस्ट की तरफ देखने लगती है और कहती है, आखिर ये दूध कहाँ मिलेगा। और ली जवान भी इन दोनों को नोटिस कर लेती है। अच्छा ठीक है, समझ गया। और इसे भी इनके इरादों के बारे में पता चल जाता है, तो यह इन दोनों पर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर ये तुम दोनों कहाँ देख रहे हो। और तभी यहाँ पर वांग क्यू आते हुए कहती है, नहीं, डार्क गोल्ड रेड ग्लो बेयर्स मिल्क नहीं पीते हैं, और यह जन्म लेने के तुरंत बाद मीट खा सकते हैं, और इनका जो पहला मील होता है वो मदर्स प्लेसेंटा ल अम्बिनेकल कोड होता है। और इस चीज को सुन के मोजन खुश होते हुए कहता है, ये सच में जन्म लेने के बाद मीट खा सकते हैं, और अगर ऐसी बात है तो ये काफी बढ़िया हुआ। तो ये लड़की भी खुश होते हुए कहती है, अगर यह मीट खाते हैं तो ये काफी ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पे उन 3 वेयरवॉल्स की बॉडी पड़ी हुई है। और ली जवान वांग क्यू से पूछती है कि आखिर तुम्हारी बॉडी अब कैसी है। तो वांग क्यू कहती है, मेरी बॉडी तो ठीक है, वैसे मैं अभी बस थोड़ा सा कमजोर फील कर रही हूँ। जिसके बाद इसका सामना वांग डोंगर और युहाओ से होता है, और वांग डोंगर और वांग क्यू एक दूसरे को देखने लगते हैं, जबकि वांग क्यू को देखकर युहाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। और जब वांग क्यू युहाओ और वांग डोंगर को हाथ थामे हुए देखती है तो पहले के विजनेस इसके नजरों के सामने आने लगते हैं कि कैसे युहाओ ने अपने हाथ को काट के इसे अपना ब्लड पिलाया था। और युहाओ सोच रहा था कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि कैसे उसने वांग क्यू को अपना ब्लड पिलाया था, लेकिन तब भी सीन्स वांग क्यू के मन में अपीयर होते हैं, क्योंकि यह इसका 3 टैलेंट्स में से एक होता है,
जो कि इसे गोल्डन ड्रैगन से मिले थे। इसके बारे में इसने किसी को भी कभी नहीं बताया कि जिस दौरान ये कोमा में होती है तब यह आसपास जो हो रही चीजें उनको भी रिकॉर्ड कर सकती है, और जब ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो डोंगर युहाओ के हाथ को छोड़ के वांग क्यूआईयू की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो डोंगर को ऐसा करता देख युहाओ भी चौंक जाता है। तो डोंगर इससे कहती है, क्या तुम्हें मुझ में विश्वास नहीं है, और तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। और इस बात को सुनकर युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और फिर डोंगर आगे बढ़ के वांग क्यू के पास आ जाती है और उसके सामने आके ये कहती है, वांग क्यू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम्हें पहले रूडली ट्रीट किया था इसलिए मैं तुमसे उस चीज के लिए माफी मांगती हूँ। और वांग क्यू भी वांग डोंगर को ऐसे माफी मांगते देख थोड़ी सी हैरान होती है, जबकि इस तरफ युहाओ के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ रखे होते हैं और यह कहता है, आखिर यहाँ पर यह क्या चल रहा है। जबकि इस तरफ डोंगर कहती है, ये सब मेरी ही गलती है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। और डोंगर को इस तरीके से माफी मांगते देख मो जवान ली जवान काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि कायमा खुश होते हुए मन में कहती है, ये लड़की तो वाकई में काफी ज्यादा स्मार्ट है। और इस तरह वांग क्यू डोंगर से कहती है, तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है और उसने पहले मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं सिर्फ उसका एहसान चुकाना चाहती थी। तो वांग डोंगर थोड़ी तेज आवाज में कहती है, नहीं, वो मैं ही थी जिसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मैं उस चीज के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। और हाँ, बिल्कुल, तुमने उसकी जान बचाई है, तो उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में मैं तुम्हारी काफी शुक्रगुजार हूँ। तो वांग क्यूआईयू कहती है, कोई बात नहीं, अब सब खत्म हो चुका है और मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ कि अब उसका मुझ पर कोई भी एहसान नहीं रह गया है। तो डोंगर कहती है, हाँ ठीक है। और फिर डोंगर आगे बढ़ के वांग क्यूआईयू के हाथ को पकड़ लेती है और यह काफी खुश होते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगती है और उससे कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके और मेरे बीच की चीजें बता सकती हूँ, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्यों तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करती थी। चलो, मैं तुम्हें वापस से आराम करने के लिए ले चलती हूँ। जिसके लिए वांग क्यूआईयू भी मान जाती है। और इस तरफ हम युहाओ को वांग क्यूआईयू के कैंप के बाहर देखते हैं और वाकई में युहाओ की जान तो हल्के में अटकी होती है और यह घबराते हुए चिल्लाते कहता है, आखिर इन सब का क्या मतलब है और क्या वो अंदर फाइट करने लगेंगे। और तभी अचानक से रो रो युहाओ के पास आ जाती है और कहती है, क्या ये सिचुएशन इतनी ज्यादा इंटेंस है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि यह काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। और फिर युहाओ भी काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है, क्या सिस्टर रुओ रुओ, आखिर कब आप यहाँ पे आए। और रुओ रुओ इसका कोई भी जवाब दिए बिना स्माइल करने लगती है, जबकि इस तरफ युहाओ और भी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, ये सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस है और उन दोनों का साथ सोना मेरे लिए हैंडल करने के लिए काफी ज्यादा है। तो रो रो इसे दूर भगाते हुए कहती है, ये तुम्हारा मैटर है तो तुम ही इसे हैंडल करो। तो युहाओ रोते हुए कहता है, ये तो नाइंसाफी है। तो रो रो बताती है कि कल जब हमें तुम दोनों मिले थे तब तुम दोनों जमीन पर पड़े हुए थे और वो चीज देखने में भी काफी ज्यादा एम्बेरेसमेंट भी पहन रखे थे, और अगर तुम दोनों की ऐसी हालत को किसी और ने देखा होता तो वो वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा होता। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उस समय डोंगर ने क्या कहा था। तो युहाओ भी चौंकते हुए पूछता है, आखिर उसने क्या कहा। तो रुओ रुओ बताती है, डोंगर ने कहा कि उसे तुम पर पूरा विश्वास है, असल में तो मैं भी देख सकती थी कि वो काफी ज्यादा अपसेट थी और उसकी आंखों में जो फीलिंग है मैं उन्हें समझ सकती हूँ, और तुम्हारे सबसे मुश्किल भरे समय में वो तुम्हें किसी और के साथ छोड़ने के बजाय तुम्हारे साथ काफी गंभीर रूप से इंजर्ड होना चूज करती। और इन बातों को सुनकर युहाओ मन में कहता है, डोंगर आखिर मैं कैसे तुम्हारे इस प्यार की कीमत चुकाऊंगा। और तभी एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, देखो तो हमें सोल बोन मिली है जो कि उस वेयरवुल्फ की लेफ्ट लेग बोन है, और यह बोन तो वाकई में काफी ग्लो कर रही होती है, और इसे देखते हुए ये लोग कहते हैं कि सोल बोन्स तो सोल रिंग से भी कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होती है। देखो तो कि इसके ऊपर भी नाजुक सी स्पेशियल फ्लक्टेश है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, और यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।